है द्वितीय स्कंद को, जाने द्वितीय स्कंद समझाए जानो है, तत्व ध्यान, हृदय प्रसाद और मनन। वो जो आपने श्लोक लिया ना, एक प्रथम प्रथम अध्याय को 39वां श्लोक स्वप्न वालों, वहां में जैसे ये बताया कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अलग अलग वस्तु देखे है तो वो वाकई अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, ये बात आपने बताई। तो यहाँ में क्या वो विराट तो जो पुरुष है वाको स्वप्न ये सृष्टि ऐसे कहना जा रहे हैं, क्या कहना जा रहे हैं? मतलब विराट पुरुष की स्वप्न ये सृष्टि है पूरी, मैंने कोई और का प्रश्न है, आपका प्रश्न है? मेरा ही। अच्छा अच्छा, एक बात समझे बा के एक जमाना हतो जब लोग इनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो कोई भी चीज को मिथ्या कहनी होए तो एक पेटेंट उदाहरण स्वप्न सबको आ जाता हो, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद ये उदाहरण पॉपुलर हो गया मिथ्या होने के अर्थ में। वाबखत भी कई लोगों ने बहुत प्रश्न उठाए थे कि स्वप्न को मिथ्यापन कैसे कह सकें, स्वयं शंकरन ने भी यह प्रश्न को बहुत विस्तार से डील किया है, अपने को कल्पना नहीं आवे उतने विस्तार से डील किया है यह प्रश्न को, पर वह सारे विषय विस्तार को एक मूल सार ये है कि स्वप्न मिथ्या है रिलेटिवली, एब्सोल्यूटली नहीं। वहां को कारण कि स्वप्न को जो अनुभव है वो अनुभव कई तरह से अपन कह सकें, वाकु मे भी अपन यूं कह सकें कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ मेमोरी है, मेमोरी आपकी इंटेंसिफाई हो गई, पर वो एक्सप्लेनेशन या लिए सच्चा नहीं है, क्योंकि स्वप्न सिर्फ मेमोरी का ही नहीं आवे है, स्वप्न आपने जो अपेक्षा करी हो आशा करी हो वाको भी उतना ही आवे है, तो अपन ये नहीं कह सकें कि सिर्फ मेमोरी को इंटेंसिफिकेशन है। अपन यो कहें कि इंटेंसिफाइड आशा या आपकी वांट्स सपने, तो ऐसे नहीं है कि इंटेंसिफाइड आशा या वांट्स आपकी सपने, कई वक्त अपन सो रहे हो, मैंने एक साइड बात बताऊं कि जैसे मच्छर काट रहे हो आपको या खटमल काट रहे हो, आपको आपको शरीर जगाना चाह रहे हो, कोई कारण से आप जग नहीं रहे हो, थके होने के कारण या नींद की गाढ़ता के कारण, शरीर क्या करे तुरंत आपको सपना भेजे कि आपको सांप काट रहे हो, बिच्छू काट रहे हो, ख्याल में आया? वह हड़बड़ाहट के कारण आप उठ जाओ, क्योंकि शरीर आपको जगाना चाह रहे हो, आप सो रहे हो, तो अपना जो शरीर का जो अंदर को तंत्र है वो या तरह से भी काम करे तो वाकू आपसे जो काम लेना है वो जा तरीके की स्टिमुली को आप या तरह से एक्सेप्ट कर पाते हो कि स्टिमुलेट हो पाते हो, वह तरीके स्टिमुली से आपको जगा देगा वो पर्पज, वाको आपको स्टिमुलेट करना है, वहां इश्यू ये नहीं है कि सांप काट रहे हो कि मच्छर काट रहे हो कि खटमल काट रहे हो कि बिच्छू काट रहे हो,
आप काट रहे हो और आप जग नहीं पा रहे हो और आपको जगाना शरीर को आवश्यक लगे, यानी आपको वह तरीके को सपना दे है? जैसे आप बिना ओढ़े सो गए और आपको ख्याल रहे हो नहीं, रात को बरसात पड़ी, रात को बरसात पड़ी, सब ठंडक हो गई, अचानक आप जग नहीं पा रहे हो कोई कारण से, ऐसा सपना आपको आ सके कि आप पानी में डूब रहे हो ठंडक के कारण, और तुरंत आप फिर जगोगे कि भाई आवश्यकता कितनी सी है, बरसात पड़ने के कारण जो ठंडक भई है वह ठंडक को आप अटेंड करो, वह के लिए स्वप्न आपके साथ ऐसे ऐसे भी काम करे आपको मन, जिनसे आप को अटेंड कर सको। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ आशा को या स्मरण को इंटेंसिफिकेशन है, आपकी वॉन्ट्स को भी इंटेंसिफिकेशन स्वप्न है। ऐसे वन बाय वन आइटम अपन चेक करते चले जाएं कि किन किन बातों को स्वप्न इंटेंसिफिकेशन है, तो लास्ट में अपने को स्वप्न की सृष्टि आके टोटली अलग सृष्टि माननी पड़े कि अन्य काचित सा सृष्टि विधातुर व्यतिरेकिणी, स्वप्न में एक आखिर एक नई सृष्टि निर्माण हुआ है कि जो ये जागृत सृष्टि के रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न नहीं होके अपने कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न हो रही है, वो अपनी साइकोलॉजिकल रूल्स और रेगुलेशन है उनसे वो गवर्न सृष्टि है। मैंने जैसे बताऊं कि वो फ्राइड ने यह बात को बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वाको पति जो है वो प्लेन एक्सीडेंट में मर गया और वो जब भी प्लेन में यात्रा करते तो वाको ऐसे ऐसे सपने आते, प्लेन को क्रैश हो रहा है, वो प्लेन में बैठी भई है वाइफ को, और फिर वो घबरा के उठ जाती है। एक्चुअली वो यात्रा करनी होती पर तो क्योंकि वाके मन में वाने एक प्लेन क्रैश देखे तो वाइफ ने बचपन में, और वो हस्बैंड जब प्लेन में ट्रैवल करते तो वाको या तरीके से सपना आता तो कि मैं प्लेन में जा रही हूं और वो प्लेन क्रैश हो रहा है, वो वाके जो मन में जो तकलीफ है वह तकलीफ के कारण वो सोच भी नहीं पावे, क्योंकि कोई भी वाइफ ऐसे नहीं सोचेगी कि भाई हस्बैंड को एक्सीडेंट हुआ है, तो खुद को रिप्लेस करके वह तकलीफ को मन निकाल दे। जैसे वो ऑडिटर कैसे जमा खर्च को हिसाब बराबर बैठा दे, तो वो जो आपके भीतर टेंशन हो रहा है आपको वो हिसाब पैदा कर दे कि चलो खत्म भाई ना बात अब। तो कितनी सारी अपने मन के भीतर रही गई वृत्ति को स्वप्न करे, तो वो स्वप्न सृष्टि जागृत सृष्टि के रिलेशन में तो डेफिनेटली मिथ्या है, पर वो एक अलग सृष्टि नहीं है ऐसे आप कह सको? ऐसे तो नहीं कह सको। वह स्वप्न सृष्टि में वो स्वप्न मिथ्या नहीं है, वहां तो वो सत्य है। मैं एक अपनी बात बताऊंगा मजेदार, मैं जिनसे पढ़ो धर्मदेव जी जेठली सु करीब 10 या 11 साल पढ़ो, धर्मदेव जी ने मुझसे कभी कुछ मांगे नहीं, कभी कुछ लियो नहीं, धर्मदेव जी पे चले गए। मेरे मन में सचमुच में यह बात को पिंचिंग होती थी कि अपन तो धर्मदेव जी की कुछ भी सेवा नहीं कर पाए और धर्मदेव जी ने कितना पढ़ाया हो, माने दादाजी ने और धर्मदेव जी ने पढ़ाया वाकु मैं कंपेयर करूं तो दादाजी ने 4 आना पढ़ाया तो धर्मदेव जी ने 12 आना पढ़ाया, मैं कह सकता हूं मिनिमम 10 आना तो पढ़ाया ही मुको, इतना सब पढ़ाया धर्मदेव जी ने। मन में सचमुच में थोड़ा गिल्टी फील भी होता था, थोड़ा मैंने तथापि नात्मा परितुष्यते वाला भाव मेरे भीतर होता। तो धर्मदेव जी चले गए तो बहुत बार मुझको ऐसा सपना आता कि हम पैडर रोड पे यूजीस रोड से पैडर रोड पे जा रहे हैं और वो धर्मदेव जी बुढ़े हैं, वो पहाड़ चढ़ नहीं सक रहे हैं, वहां तो ब्रिज नहीं बने, तो ये जो फ्लाईओवर बने तो उनको चढ़ने में तकलीफ हो रही है और मैं धर्मदेव जी कह रहा हूं चलो मैं आपको चढ़ा दू, मेरा मन सेटिस्फेक्शन चाहते तो मैं क्या करूं कि जासू धर्मदेव जी ने इतना पढ़ाया मुझको इतना पहाड़ चढ़ाया वहां को मैं कैसे उनको कंपनसेट करूं क्या करूं। अब वो मन में एक पिंचिंग होती रहती थी तो निरंतर ऐसे सपना मुझको आते थे कि वो पहाड़ चढ़ने में हो, क्योंकि धर्मदेव जी बुढ़े होते उनसे चढ़ा नहीं जाता, तो मुझको ये अक्सर सपना आ जाता कि मैं उनका अच्छा अब बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म की तरह हो जा वक्त जो घटना होनी चाहिए वह वक्त कहां से हीरो आ गया और कहां से विलन आ गया अपने को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिले हो, ये सारी बॉलीवुड की फिल्म एक सपने वहां बैठे हुए अचानक वहां से तुम आ कहां से गए भाई
अपने को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिला। ऐसे स्वप्न में भी एक्सप्लेनेशन मिल तो क्यों वो युजिस रोड पे धर्मदेव जी माहिम में रहते थे केडल रोड पे, काय को वहां जाना है, समझो कि वहां गए कोई कारण से, तो वहां वक्त मेरा हाजिर रहना वहां क्या जरूरी है। तो पर सवाल बाह्य जगत में धर्मदेव जी को वहां जानो जरूरी नहीं है तो मेरे वहां हाजिर रहना जरूरी था, पर मेरे आंतर जगत की वो रिक्वायरमेंट थी भाई, वो चढ़ाई मैंने देखी थी। और मामे देख मेमोरी कैसे खराब काम करे, वो मैं फनी एग्जांपल है पर आपको समझ में आएगी सारी बात, कि ध्रोल महारानी साहब को एक ड्राइवर है तो इतना मोटो बहुत जाड़ो ठाकुर साहब जैसे एक दिन वो ड्राइवर, मैं, गोपाल, हमारे दादाजी को सेक्रेटरी राघव और बेजू चौबे, इतने जने बैठ के बेबी ऑस्टिन में वहां पे चढ़ रहे थे। अब वो थोड़ी सी चढ़े वाई फ्लावर बने नहीं तो वो पाछी सड़क के नीचे आ जाए। दो बखत तीन बखत ऐसे भया वो बेबी ऑस्टिन पाछी नीचे आ जाती, वो चढ़ी नहीं पाती इतना लोड लेके। तो वो ड्राइवर को कोई नहीं सूझे वाने मुंह ही पकड़ो के बाप जी आपनु जरा शरीर एवं छे ना थोड़ूक उतरी जाओ तो गाड़ी ऑस्टिन चढ़ी जैसे, बाकी इंप्रेशन मेरे माइंड में रह गई थी कि पैदल हो हिल चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा दिन पहली बार मुझको रियलाइज हो कि बाप जी ने शरीर ये ऊंचे के ऑस्टिन चढ़ती न थी, तो मैंने कोई वादा नहीं, धर्मदेव जी ने तो चढ़ा भी दी है, बाप जी ने न चढ़े तो न चढ़े। तो मन कैसे कैसे खेल करे है अपने साथ, वाकई एक अलग दुनिया है भीतर की, वो तो बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं है माइंड इट, तो भीतर की रिक्वायरमेंट बहुत इंटेंस है, इंटेंस रिक्वायरमेंट थी मेरी, कुछ भी नहीं कर पाया धर्मदेव जी के लिए। तो भीतर की एक दुनिया है तो वो मिथ्या है ये मानना बहुत जरूरी नहीं है, रिलेटिवली मिथ्या है पर एब्सोल्युटली, यही लिए अपने यहां भी महाप्रभु जी ने या सारे प्रक्रिया की एनालिस करते वक्त एक बात कही है कि प्रभु के स्वप्न में तो मिथ्या नहीं है, दुनिया के स्वप्न में तो मिथ्या है। वहां में कारण क्या दे महाप्रभु जी कि दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं है, प्रभु तो तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी है, तो भीतर भी स्वप्न आते हो तो प्रभु तो है ना भीतर, तो मिथ्या क्या मानना। तो एक बात ध्यान से समझो कि प्रभु भीतर है या के लिए प्रभु का सपना भीतर आ रहे हैं तो आपको मिथ्या नहीं मानेंगे, बाहर को जो है वो पैडल रोड भीतर नहीं है, अब वो भीतर दिख रहे हो तो मिथ्या हो सके, बात समझ में आई ना। तो ऐसा एक महाप्रभु जी ने बताया, पर साथ साथ एक बात ये समझो कि स्वप्न जो है वो बाहर के जगत में मिथ्या है, खुद अपने आप में स्वप्न मिथ्या नहीं है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, कि या को उदाहरण शास्त्र क्यों दे है, तो शास्त्र या लिए दे है कि भगवान जो है वो ज्ञानात्मक हैं और भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट वही फैशन में कि स्वप्न में आपको अनुभूत होती वस्तु आपके बाहर नहीं है आपके भीतर है, वाको जो रिजल्ट है वो बाहर दिखे है। जैसे स्वप्न में आपको भयंकर कोई स्वप्न आयो तो आपको रिजल्ट बाहर आपको दिखेगा कि आपको शरीर कांपते होगा, सांस चलती होगी, सांस उखड़ गई होगी, वो रिजल्ट बाहर दिखे, पर वो जो दिख रहे है जो कुछ वो भीतर ही है बाहर नहीं है। ऐसे भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है, या अर्थ में भगवान ने जो भी सृष्टि पैदा करी है वो स्वप्न के मॉडल से खुद के भीतर खुद में एक अनेक भय है, या अर्थ में उदाहरण है, मिथ्या होने के अर्थ में उदाहरण नहीं है। माने मैं अपने स्वप्न की बात करूं मेरे धर्मदेव जी की, तो जो कैडल रोड पे माहिम में रहने वाले धर्मदेव जी थे वो मेरे बाहर रहते आया ना, वो पैडल रोड का जो हिल है वो भी मेरे बाहर है, पर जब वक्त धर्मदेव जी को मैं वो पैडल रोड की हिल चढ़ाना चाह रहे हूं वो भी मेरे भीतर है, धर्मदेव जी भी मेरे भीतर हैं, तो वो समानसीन आत्मा जनानाम करके अपने यहां कह गए कि प्रभु को एक मानसीन रूप भी है और प्रभु को एक बाह्य रूप भी है। मानसीन रूप जब हुआ है मानसी सेवा, एक बात ध्यान से समझो,
वंस एंड फॉर ऑल एज गुड एज ए ड्रीम इन अवेकन स्टेट है. सिर्फ अंतर कितना है कि स्वप्न में आपकी दूसरी बहुत सारी वृत्तियां जो मैंने आपको बताई वो इंटेंसिफाई हो गई, और वो इंटेंसिफाई होकर कारण आपको स्वप्न दिख रहा है. वह वक्त आप सोए हो, जा वक्त आपको काबू नहीं आप पे. पर मानसी सेवा क्या है, आपकी भक्ति इतनी इंटेंसिफाई हो गई है तो वो भगवान के रूप में आपके हृदय में प्रकट हो रही है, भगवत सेवा के रूप में प्रकट हो रही है, भगवान मनोरथ की पूर्ति के रूप में प्रकट हो रही है. वह इंटेंसिफिकेशन ऑफ भक्ति है मानसी सेवा. तो मानसी सेवा जो है वह इंटेंसिफाइड भक्ति होने के कारण चेतस तक प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्त जा, ये जो कहो तो मानसीसा परामता. तो परामता का मतलब स्पष्ट है कि जब आप सेवा कर रहे हो और जब आपको चित्त भगवान में प्रवण भयो, वो प्रवण होने के बाद इतनो प्रवण हो गयो, इतनो इंटेंसिफाई हो गयो कि आप बाहर सेवा करो कि मत करो, भीतर वो सेवा चल नहीं लग जाए जैसे राजा आसकान दास जी को चली, तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ डिवोशन है. वो अवेकन स्टेट में है, सोती अवस्था में नहीं है. या अर्थ में मानसी सेवा जो है वो अपने यहां मिथ्या नहीं मानी गई है, सत मानी गई है. तो मानसी सेवा जैसे मिथ्या नहीं हो सके, ऐसे भगवान की जो मानसी सेवा है वो ये सृष्टि है. स आत्मानम स्वयं अकुरुत तन मनोनुकुरुत, ऐसे माने तन मनो अकुरुत, वाने मन कियो कि एको हम बहुश्याम, वाने मन कियो कि मैं अनेक हो जाऊं, और वो मन में अनेक हो गए खुद के, तो वो मानसी सेवा तो कर रहे हो अपनी, वो अपनी मानसी सेवा कर रहे हो. अब अपने को भी उतनी हाइट होनी चाहिए तो वो जैसे अनेक में से एक में से अनेक हो गए, ऐसे अपन अपनी मानसी की प्रक्रिया में से वा के साथ एक हो जाए, कि अपने भीतर वो आ जाए, बाकी सारी लीलाएं सिमट के आ जाए, उनके जलवे समेट लाई है ये नजर आज काम आई है. तो उनका जलवा, उनके जलवा या तरह से सिमट के नजर अपने आ जाए भीतर, कि वो सारे जलवा अपने मन के भीतर सिमट के आ जाए, तो बस ये नजर आज काम आ गई ना, वापस नाम मानसी सेवा है. यानी स्वप्न को मिथ्या होना या तो रिलेटिवली है या बौद्धन के द्वारा अननेसेसरीली हाइपरबोलिक वे में प्रोपेगेट किए गए प्रोपेगेंडा है, जाकु अपन शेयर नहीं करें. अपन यूं कहें कि कोई अर्थ में स्वप्न मिथ्या हो सके पर सर्वांश में स्वप्न मिथ्या है ये अपना ख्याल नहीं है. तो जब अपना स्वप्न सर्वांश में मिथ्या नहीं है तो प्रभु के मन में जो स्वप्न आ रहे है वो कैसे मिथ्या हो सके. तो मिथ्या के अर्थ में मत देखो पर यह अर्थ में समझो कि वो प्रभु के बाहर नहीं है, प्रभु के भीतर है, यह अर्थ में वो स्वप्नवत है. ये प्रश्न है, कृपा मेळवा माटे भगवाननी प्रार्थना करवी बीजो प्रकार न करवो, केवल ध्यान नहीं ध्यान साथे प्रार्थना करवी तो विवेक धैर्य आश्रय मां तो श्री महाप्रभु जी प्रार्थना करवानी ना पाड़े छे, तो कृपा करी अनुसंधान समझो. ये प्रश्न अभी चर्चा को नहीं. हाँ, ये अभी रहे. और दूसरो है, शक्ति एटले शब्द नी पोतानो अर्थ जणावानी सत्ता. शक्ति क्या है ये प्र शक्ति त्रण छे. शक्ति त्रण छे. अभिधा लक्षण अभिधा लक्षण व्यंजन आते समझाओ. तेरे प्रश्न के बारे में मैं एक खुलासा जरूर कर दूं कि अभिधा लक्षणा और व्यंजना वामेसु अभिधा ही शक्ति है, लक्षणा और व्यंजना शक्ति के सबोर्डिनेट रोल है, अनुशक्ति के रूप में, मूल शक्ति नहीं है, अनुमान की तरह. जैसे अनुमान क्या है ध्यान से समझो, अनुमान को मतलब है अनु प्रत्यक्ष पश्चात जायमानम ज्ञानम अनुमानम. प्रत्यक्ष में अपन ने आग को धुआं को और आग को हर वक्त साथ देखियो है, हर वक्त साथ देखियो है,
करके जा बखत अपने को आग नहीं दिखे और धुआं दिखे तो भी आग को ज्ञान हो जाए कि भाई आग के साथ रहने वाली धुआं हमको दिख रही है तो आग भी यहां होगी। वो अनुपश्चात प्रत्यक्ष में अपन ने उनको कई बखत साहचर्य देखे हो, सो जा बखत अपने को साहचर्य नहीं दिख रहे है वह बखत भी अपन वह साहचर्य को एडमिट करे हैं, एक्सेप्ट करे हैं, वह को नाम अनुमान। ऐसे अभिधा जो है ध्यान से समझो मूल शक्ति है, और अभिहितार्थ जो है अभिधा को मतलब के व्याकरण सु या कोश सु डिक्शनरी सु जो शब्द को मीनिंग निकलते हुए वो अभिधा कहा जाए। जैसे याकू मैं पुस्तक कहूं तो पुस्तक का मतलब आज तो आपको खबर नहीं होएगा पुस्तक माने क्या पता, चलो सोचो पुस्तक माने क्या, पुस्त जो है ना बंधन के अर्थ में आवे, कागजन को जहां बांध दिया जाए वो पुस्तक कहवावे। छुट्टो कागज जो है वो पुस्तक नहीं है, लूज शीट इज नॉट ए बुक, बाउंड शीट्स आर बुक, पुस्तक बंधने। तो जहां पुस्तन हो गए वो पुस्तक कहवावे। अब देखो ये अभिधा का अर्थ है पुस्तक को, आया ख्याल में? जैसे साइकिल को अपन बाइसिकल कहें तो बाय यानी दो, साइकिल यानी चक्कर, तो जाने दो चक्कर हो वह को नाम बाइसिकल, बाइसिकल को शॉर्ट फॉर्म साइकिल, ये अभिधा है, आया ख्याल में? ऐसे अभिधा मूल अर्थ है, और लक्षणा और व्यंजना अनुमान की तरह अनुशक्ति है, मूल शक्ति नहीं है, वो पीछे से प्रकट होती वही शक्ति है, बस इतना डिफरेंस है। बताई दी मैंने आप लक्षणा, मैंने लक्षणा व्यंजना नहीं बताई, लक्षणा नहीं आया, नहीं बताई लक्षणा को अर्थ अपन ऐसे समझ सके कि कोई भी अर्थ कोई भी शब्द को जो अभिधा वृत्ति से निकलता हुआ अर्थ है वो वहां में फिट नहीं बैठते हो तो अपन संबंध को वहां में घटित करके वहां को अर्थ समझे वो लक्षणा कहलावे। जैसे अपन यूं कह सके कि कोई कोई व्यक्ति के कोई व्यक्ति में साहस है वाको अपने को परिचय देना तो मैंने ये शेर है अपन ऐसे कह में तो वो वहाँ लक्षणा के अर्थ में ध्वनित हो सके गौणी लक्षण अर्थ में ऐसे बैठ तो नहीं होता वही वह शक्ति में से पैदा होती कोई दूसरी शक्ति अनुमान की तरह जहाँ शब्द जो है जैसे प्रत्यक्ष अपना दो तरह से फंक्शन करे है ऑब्जेक्ट को देखे है और ऑब्जेक्ट जाके सिग्नल हैं उनको भी देखे है। जैसे रोड साइन जितनी है ना अपन को क्या है रोड मुड़ रहा है थोड़ी दिखे रोड साइन पे वो एक ऐसा दिखे कि राइट टर्न है तो अपन वाकु देखे हैं और वाकु देखने के कारण वाके देखने के कारण जो चीज दिख रही है वाकु भी देखने के लिए अलर्ट हो जाए ख्याल में। जैसे वो स्कूल आते हो तो बच्चा दौड़ते हुए दिखेगा तो यहाँ स्कूल है तो वो बच्चा थोड़ी दिख रहा है जो रोड की साइन है वहां पर तो एक बच्चा दिख रहा है चित्र दौड़ते हुए पर वासु अपन वाकू देख के फिर स्कूल भी अपन देखने लग जाए हैं वहां भाई यहाँ स्कूल है तो जैसे जो है वो विषय को देखे और वो विषय जाकर सिग्नल है वाकू भी देखे ऐसे दो प्रोसेस अनुमान प्रत्यक्ष में है ऐसे ही शब्द में भी ये दोनों की प्रोसेस है कि शब्द जाकू डायरेक्ट रिफर करे और वो शब्द जाकू डायरेक्ट रिफर कर रहे हैं वो जाकू सिग्नल दे रहे है वाकू भी रिफर करे तो लक्षणा और व्यंजना हो जाए। ऑलमोस्ट शब्द जहां सिग्नल के तरह काम कर रहे है वो लक्षणा और व्यंजना है और शब्द जहां डायरेक्ट अपना अर्थ कन्वे कर रहे है वो शक्ति अभिधा है ये डिफरेंस है।
हर जो है वो रोड साइन जो है वो खुद मुड़ के आपको बता दे कि भाई ऐसे मुड़ रहा है राइट या लेफ्ट में या अप्स एंड डाउन्स में या स्कूल है या ये है साइलेंस जोन है या और बजाया जा सके वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ जो मेन बात बताई है शक्ति तात्पर्य निर्धारण जो है श्रवण जो है वो शक्ति तात्पर्य निर्धारण है और शक्ति तात्पर्य निर्धारण पद और वाक्य को करना है ऐसे यहाँ कहे है। वाक्य हम तत्व ध्यान रथ प्रसाद और मनन है तो पूरे जो द्वितीय अध्याय श्रवण है और श्रवण को अर्थ है शक्ति तात्पर्य निर्धारण वो भी पद और वाक्य को तो वो थोड़ा देखो यहां में ऐसा है कि थोड़ी टेक्निकलिटी रही भाई है और वो देखो ध्यान से देखोगे तो इतनी कठिन नहीं है पर समझ में आएगी कि जैसे मैं एक वाक्य वापर रहे हूं कि अभी अपन वल्लभ सुखधाम में भागवत द्वितीय स्कंद को चिंतन कर रहे हैं एक वाक्य इंटू इन्वर्टेड कॉमा हाँ अभी अपन वल्लभ सुखधाम में भागवत के द्वितीय स्कंद को चिंतन कर रहे हैं इंटू इन्वर्टेड कॉमा हो तो ध्यान से देखो अभी को अर्थ आपको पता है कि नहीं है पता है अपन को अर्थ आपको पता है कि नहीं है पता है वल्लभ सुखधाम शायद कोई को पता हो कि कोई को ना पता हो नया आए हो तो आपको नहीं पता हो कि ये वल्लभ सुखधाम है जो जान रहे हैं उनको पता होगा कि वल्लभ सुखधाम है। भागवत द्वितीय स्कंध को अब भागवत अपने को पता है आपको द्वितीय स्कंध अपने को पता है चिंतन को अपने को अर्थ पता है कर रहे हैं इन शब्दन के क्रियापदन के अर्थ पता है तो हर पद को अपनो अपनो एक अर्थ है और वो अपनो अपनो अर्थ ऑलमोस्ट जैसे अपन मोबाइल में नाम डाल के नंबर खोजें या नंबर डाल के नाम खोजें तुरंत क्या हुआ है कि अपन ने नाम डाले तो मोबाइल क्या करे नंबर लाके दिखा देगो नंबर डाले तो नाम लाके दिखा देगो क्योंकि दोनों को नंबर और नाम को अपन ने साहचर्य वहां मोबाइल में डाउनलोड कर रखे है। पर एक के कारण दूसरी वस्तु उपस्थित हो रही है वाकु अपन वाको अर्थ तरीके ट्रीट करें या नाम को अर्थ क्या अब जैसे समझो कि मोबाइल को आप कहो कि रमेश भाई को तो तुरंत रमेश भाई को नंबर आपको दिखाएगा पर मोबाइल को आपने पूछो कि रमा को ईश तो मोबाइल का तो हूं नहीं जानतो चल भाई ना जबकि रमेश भाई को अर्थ रमा को ईश है ना पर रमा ईश कर दियो ना तो मोबाइल इनकार कर देगा कि नॉट अवेलेबल कैसे नॉट अवेलेबल क्योंकि मोबाइल ने रमेश भाई को अर्थ नंबर समझे है रमा को ईश नहीं समझे है। यदि आपको रमा ईश समझाना है तो वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फीड करना पड़ेगा कि रमेश मतलब रमा ईश तब रमेश डालोगे तो रमा ईश भी दिखाएगा तो आपने क्या पद वाकू समझाया है कि यह पद कौन से अर्थ में वापरे जाएगो वही अर्थ वो मोबाइल आपको दिखाएगा ऐसे अपने माइंड ने रजिस्टर किया है हर शब्द को अर्थ जा शब्द को जो अर्थ रजिस्टर किया है कि यह शब्द को ये अर्थ वो अर्थ जब अपन वो शब्द सुने तो वो अर्थ आके खड़ो हो जाए वो अर्थ को अपन देखें तो वो शब्द आके खड़ो हो जाए नंबर और नाम की तरह बात समझ में आई एग्जैक्ट वही पोजिशन है पर वहां में थोड़ी भी छेड़खानी करी नॉट फॉर्म के देगो
मोबाइल कह देगा ना नॉट फाउंड, आप कहोगे नहीं नहीं रमेश जो है वो रमा ईशु बन्या शब्द है, वो बन्या होगा बन्या होगा, मेरे को वहां से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे यहां आपको मीनिंग कितना है, रमेश को मतलब सर्टन नंबर है, दिस दिस दिस, वो आपको दिखा दो। तो हर शब्द को या तरसी को एक जीवन अर्थ है अपने माइंड में भी, वो पद को अर्थ कहवावे, ख्याल में आयो? उन पदन को जोड़ के जब वक्त अपन वाक्य बना रहे हैं वो कोई भी एक पद को अर्थ नहीं है, समझ में आए? यदि वो कोई भी एक पद को अर्थ नहीं है तो वाक्य जा वक्त अपन सुन रहे हैं वा वक्त अपने को सिर्फ रिकलेक्शन हो रहा है कि कोई नया मीनिंग कन्वे हो रहा है, ये टेक्निकल इश्यू है। यदि वही के वही मीनिंग कन्वे होते हुए रिपीटेडली तो आदमी कोई बोलने ही नहीं चाहेगा। बोले अपन कब है कि जिन शब्दों को आप जान रहे हो उनसे मैं एक आपको नया वाक्य बना दूं, और वो नया वाक्य मीनिंग आपको वो नहीं पता है, इन सारे शब्दों के अर्थ पता है, तो वो वाक्य को जो मीनिंग है वो तो मैंने जब शब्द जोड़े कि अभी अपन वल्लभ सुखधाम में भागवत को द्वितीय स्कंध को चिंतन कर रहे हैं, या वाक्य को जो अर्थ है वो कोई भी शब्द को अर्थ नहीं है, वो काय को अर्थ है, वाक्य के द्वारा सारे वाक्य को टेकन एज ए होल वो अर्थ है, वो सारे वाक्य को सारे पदन को जो संघात है उनमें से निकल तो एक द्वितीय अर्थ है, वो सिर्फ रिपीटेशन नहीं है। वो आपको डिक्शनरी में जैसे कंप्यूटर में ऐसा अपन कर सकें कि एक सेंटेंस आपको फीड करें और वाको मीनिंग कंप्यूटर को समझा दें कि भाई या तरीके को सेंटेंस आवे तो या मीनिंग को तुम डिस्प्ले करो, तो वो आके वाक्य को करेगा, पर वह बखत ध्यान से समझो कि कंप्यूटर आपको आके वाक्य को एक शब्द तरीके ट्रीट कर रहे हो, वो शब्द वाक्य तरीके ट्रीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने आखे वाक्य को इंटू इन्वर्टेड कॉमा डाल के और ये कह दिया कि या को अर्थ ये है, तो वो आखो वाक्य जैसे अथ कदाचि दखिदंतर निरंतर वलमान मलय पवमान चंपक संपादित सौरभ अनुकंपित निलिंप पथा, इतना एक शब्द है ये वाक्य नहीं हो, सिंपली एक शब्द है। अथ कथाचिदखिल हरिदंतर निरंतर वलमान मलय पवमान चंपक संपादित सौरभ अनुकंप नीलिंप पथा, इतना एक शब्द है। अभी आपको ब्रेकअप करोगे ना तो वाक्य बन जाएगा, पर संस्कृत में इतने सारे शब्दों को जोड़ के एक शब्द बना दियो, और वाको एक ही मीनिंग है, दस मीनिंग नहीं है, शब्द कितने सब आ गए, आया ख्याल में? तो वैसे कंप्यूटर भी क्या करे कि कई शब्दों को जोड़ के अपन ने वाको कह दियो कि या को इंटू इन्वर्टेड कॉमा ये मीनिंग है, तो वाको वो वाक्य अर्थ लेके नहीं लेके शब्द अर्थ तरीके डिक्शनरी में डाले कि भाई या तरीके के वाक्य को ये अर्थ है। वाक्यार्थ की खासियत ये है कि जो आपकी वोकैबुलरी में अवेलेबल नहीं हो तो जो अवेलेबल है वाक्य जोड़ तोड़ से आपको नयो कुछ अर्थ कन्वे हो रहे हो तो वाक्यार्थ है। शब्द पदार्थ में नयो कुछ भी कन्वे नहीं हो रहे, सिर्फ रिकॉल हो रहा है। अभी को मतलब क्या नाउ, अपन को मतलब क्या वी, अभी को मतलब हमा, अपन को मतलब आपने, वल्लभ सुखधाम एटले आ जग्या, भागवत एटले 18 पुराण माने एक पुराण, ऐसे जो मीनिंग है वाके एक एक शब्द के अर्थ वो सब रिकॉल हो रहे हैं, नया कुछ भी नहीं वहां मिल रहा है, पर ये सारे वाक्य जोड़ने के बाद जो अर्थ मिल रहा है वो डिक्शनरी को मीनिंग नहीं है, वो आपके ब्रेन में एक्सरसाइज करके अर्थ खोजो है कि अच्छा इतने शब्दों को जोड़ के बना है भयो, ये जो आपको एक शब्द संघात आया वाको मीनिंग ये है, वहां में नॉवेल्टी है या में नॉवेल्टी नहीं है, या में रिकलेक्शन है, हर शब्द के हर पद के कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग को आप सिर्फ रिकलेक्ट करो हो तो वो शब्द को जो शक्ति है वाको रिकलेक्ट करनी, वाक्य को तात्पर्य समझना कि इन शब्दों के प्रयोग के कारण
वापसी को तात्पर्य क्या निकलियो या को नाम तात्पर्य आया ख्याल में। मेरे को एक बालक ने एक दिन पूछो, बहुत मजेदार बात, कि सब गुसाई बालक हैं किरीट भाई को विरोध कर रहे हैं, तो आप आज्ञा को तो मैं किरीट भाई के पक्ष में एक सर्टिफिकेट लिख दो। ठीक है, बोलो क्या लिखना है? बोले ऐसा सर्टिफिकेट लिख दो कि किरीट भाई को ब्रह्म सम्मान देने की छूट है। मुझे कहे आपको क्या ओपिनियन दिया? मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैंने भी बहुत टेक्निकल आंसर दिया। मैंने कहा देखो वाह ऐसी बात है कि ये वल्लभ संप्रदाय आज की तारीख में अपने पुरुषार्थ से चल नहीं रहे है और अपनी बेवकूफी से खत्म नहीं होएगो। तो बाबा ने मुझे पूछी या मैं आपने मेरे बारे में क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं, मीनिंग कन्वे नहीं भयो। नहीं आपने मेरे बारे में क्या कहा? मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहो, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि वल्लभ संप्रदाय अपने पुरुषार्थ से चल नहीं रहे है और अपनी बेवकूफी से खत्म नहीं होगा। नहीं बोले आप स्पष्ट कौन हो क्या मेरे बारे में क्या? मैंने कहा आपके बारे में बोलने वाला मैं कौन? मैं तो वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात कर सकूं कि वल्लभ संप्रदाय में मुझको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ रही है कि अपने पुरुषार्थ से चल नहीं होगा, अपनी बेवकूफी से खत्म नहीं होगा। तो मैटर स्टार्ट्स विद दिस एंड एंड्स हियर। तो एक बात समझो कि शब्द तो मैंने वापरने में कोई करकसर रखी? सारे शब्द जितने वापरने चाहते थे उतने शब्द मैंने वापर दिए, पर मीनिंग कभी कन्वे हुए कभी कन्वे नहीं हुए, कई को नहीं हुए मीनिंग। पता नहीं आपको क्या मीनिंग कन्वे हुआ। मैंने तो सिर्फ वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करी कि पुरुषार्थ से चल नहीं रहे और बेवकूफी से खत्म नहीं होगा। अब मैं कोई के बारे में काय को मैं क्या कुछ बोलू? तो क्या शब्द तो अपन सब जाने हैं, शब्द को प्रत्येक को अर्थ जाने हैं, तो वासे जो कंस्ट्रक्ट हुआ है सेंटेंस वो तो अपने में इंसाइट हो तो समझ पड़े कि अच्छा इतने शब्दों को जोड़ के और या तो सर्वाले अनु मतलब आ, सर्वाले आनु मतलब आ, वो सर्वाला करना आ तो होए तो ही आवे, नहीं तो आइटम सब दिखे के त्रण प्लस चार प्लस पांच प्लस आठ पर सर्वाले शू कहीं नहीं जीरो। ऐसे वो वाक्यार्थ जो है वो शब्दार्थ के कारण नहीं बोध हुए है, वाक्यार्थ को जोड़ के और वामे से एक नए मीनिंग जो कन्वे हुए है वो कन्वे में अवेयरनेस होनी चाहिए। वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि शब्द जो है पद को तात् शक्ति को निर्धार और वाक्य को तात्पर्य, ये दोनों प्रोसीजर हैं। क्योंकि वाक्य को तात्पर्य जब तक अपन पद शक्ति नहीं जानते हों तो वाक्य को तात्पर्य कैसे नहीं हो पाएगा। और समझो कि पद शक्ति का सब अपने पास वोकेबुलरी अच्छी है पर अपन वो इंसाइट नहीं है तो बोलने वाले ने क्या तात्पर्य से ये सारे शब्दों को जोड़े है तो भी वो वाक्य को अर्थ नहीं होएगो। वाल्य महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक बात ध्यान से समझो, वाक्य दो अर्थ में प्रयोग आएगो, एक तो पदसु घटित वाक्य जो वाक्य, पर महाप्रभु जी को यहां इंटेंशन बिल्कुल 100% क्लियर है कि पद घटित वाक्य, वाक्य घटित अध्याय, अध्याय घटित प्रकरण, प्रकरण घटित शास्त्र स्कंध और स्कंध घटित शास्त्र पर्यंत तात्पर्य को अर्थ अपने को एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। मां सब जगह तात्पर्य अर्थ अपने को समझना पड़ेगा कि भागवत को एज ए शास्त्र तात्पर्य क्या है, भागवत को एज ए स्कंध प्रथम स्कंध को तात्पर्य अधिकार है तो द्वितीय स्कंध को तात्पर्य जो है वो साधन है, द्वितीय स्कंध के साधन जो तात्पर्य है वामे तात्पर्य तीन प्रकरण है तो एक तत्व ध्यान है वो वामे तात्पर्य है। अब वामे वाक्य तो बहुत सारे आ जाएंगे तत्व ध्यान के अध्याय में, ऐसे ही भरत प्रसाद के अध्याय में भी वाक्य बहुत सारे आ जाएंगे, मनन के भी अध्याय में वाक्य बहुत सारे आ जाएंगे। वो वाक्य को तात्पर्य समझनो और पूरे प्रकरण को और अध्याय को तात्पर्य समझनो, उन सबन में जा वक्त अपन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाते हों
तो महाप्रभु जी कहे कि अपन सच्चे भागवत समझे, पर उनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि शास्त्र को जो अर्थ है वो स्कंधार्थ में कॉर्पोरेट नहीं हो रहा है, माने वाक्य साथ कोलाइड नहीं हो रहा है, कोलाइड नहीं हो रहा है, अथवा ये जो शास्त्र जो स्कंधार्थ है वो वाक्य साथ फिक्स नहीं हो रहा है, वाक्य भीतर फिट नहीं हो रहा है, तो वास्तविकता में आपने जो भी कुछ अर्थ समझो वो खोटो समझो, क्योंकि महाप्रभु जी की दृढ़तर एक श्रद्धा ऐसी है कि भागवत सप्तधा एक ही अर्थ को कह रही है, दो अर्थ को नहीं कह रही है, पर स्वरूप और लीला के भेद से एक स्वरूप की दशविध लीला है, बल्कि द्वादश विध लीला है एक स्वरूप की, वो द्वादश विध लीला है वह एक स्वरूप के द्वादशांग हैं, और द्वादशांग होने के कारण उन द्वादशांग को तात्पर्य यहाँ ही सुबोधनी में यही कहीं महाप्रभु जी ने सुबोधनी या भागवतार्थ में लिखा है, अभी शायद तू भी बोलियो तो, कि अंग जब अपन ने सारे कंपाइल कर लिए तो अंगी अपने आप आग जाए वो समझ में, हाँ भागवतार्थ में, तो अंग जब अपन ने सारे देख लिए तो अंगी अपने आप अपने को स्पष्ट हो जाए, अपने को क्या अंगी स्पष्ट नहीं हो रहा है, जब कतिपय अंग दिखते हो, थोड़े अंग दिखते हो, थोड़े अंग नहीं दिखते हो तो अपन कंफ्यूज रहे, पर सारे अंग अपने को दिख गए कोई चीज के तो अंगी अपने आप प्रकट हो जाए है, संहतोपचित अवयवी गुप्तो वयवी प्रकटो भवती, वो महाप्रभु जी को न्याय है, बस सारे अंगन को जब अपन ने प्रॉपर प्लेसिंग करके जमा दियो तो अपने आप अंगी प्रकट हो जाए बाबा सु, ऐसे इन वाक्यार्थम की प्लेसिंग या तरह से करो कि तुम्हारा अध्याय अर्थ प्रकट हो जाए, अध्याय अर्थ की प्लेसिंग या तरह से करो कि प्रकरणार्थ हमें स्पष्ट हो जाए अंगी, प्रकरणन की प्लेसिंग या तरह से करो कि हमें स्कंधार्थ प्रकट हो जाए, और स्कंधार्थ की प्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि जामे से शास्त्रार्थ प्रकट हो जाए कि भक्त्यर्थ भगवान के चरित्र की कथा वो भागवत है, ये आखो तात्पर्यार्थ तरह से आ रहे है, यो वैसे अपने को भागवतार्थ को सीधो शब्दार्थ करेंगे ना तो भगवत इदम भागवतम, भगवान से जो रिलेटेड है वो भागवत है, इतने छोटे अर्थ में तात्पर्य नहीं है, वो तो वाको पदार्थ है शब्द को अर्थ है, पर वाको तात्पर्य अर्थ शास्त्र को या अर्थ में है कि भगवान की ऐसी लीला जो भक्ति वर्धक है वो भागवत, भगवान की भक्ति वर्धक लीला को जो शास्त्र वो भागवत शास्त्र, अब वहां में भगवान भी आ गए, भक्त भी आ गए, भक्ति वर्धन के उपाय भी आ गए, उनके अंग भी आ गए, दशविध लीला आ गई, सब आ गई, वो महातात्पर्य से समझ में आएगा, ये आंखों वाको सेटअप है। विराट स्वरूप नी लीला अने बाल कृष्ण लाल जी ने मुखारिन में ब्रह्मांड देखाड़ू ते लीला ते बे मा शू फरक छे ने शू समानता छे, जोईने ध्रुजारी छूटे एक ने जोईने वाल आवे एने जॉइंट बीजो छे एक बीजो कोई क्वेश्चन एवी रीते आवी रह्यो छे, स्वप्न मा जे वात थई होय ते सापेक्ष मा न जणावी शकाय તે વાત પણ આપણા પ્રભુ આપણા મનની વાત સાચી માની લે કે સ્વપ્ન સમજીને કે તે નથી માનતા એમ, એટલું ક્લિયર નથી થતો ક્વેશ્ચન પણ, ના ના હું સમજી ગયો, મને આપણને જે પ્રભુના સ્વપ્નમાં દર્શન થાય છે એને સાચું માનવું આપણી ભક્તિની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ, આપણને જે કઈ સ્વપ્નમાં પ્રભુનું થાય છે એને પ્રભુ સાચું માને તો સ્વપ્નની વાત જવા દો, જાગ્રત અવસ્થામાં પણ આપણે પ્રભુને ભોગ ધરીએ એ જરૂરી છે કે પ્રભુ સાચું માનશે ના, એટલે હું શા માટે કહું છું કે શ્રી ગોસાઈજીએ પોતે ભોગ ધર્યો અને પોતે ભોગ ધર્યો છતાંય શ્રીનાથજીએ જઈને ગોસાઈજીને નહીં જણાવ્યું, અને કોને જણાવ્યું, રામદાસજીને જણાવ્યું કે આજે હું આરોગ્ય જ નથી, પ્રભુ સ્વતંત્ર છે, જે ગુસાઈજી સાથે બોલતા હતા રમતા હતા એમને નહીં જણાવ્યું, રામદાસને જણાવ્યું કે આજે હું આરોગ્ય નથી ભૂખો રહી ગયો છું, તો ગુસાઈજીને જણાવવું જોઈતું હતું ને, જો અધિકારની સાઠા મારી હોત તો ગુસાઈજી એમ કહી શકત ને કે
રામદાસ ને કેમ કહ્યું, મને જ કહો આવીને? પણ તરત ગુસાઈજી કબૂલ કર્યું કે રામદાસ ને જણાવ્યું તો ખરેખર આજે ઠાકોરજી ને ભોગ ધર્યું, છતાં પણ ઠાકોરજી આરોગ્ય નથી. તો એ તો ગુસાઈજી જેવા, ગુસાઈજી ઠાકોરજી ને સુનાજી ને ભોગ ધરે ને સુનાજી ન રોગે, તો આપણે એવું કેવી રીતે માની શકીએ કે આપણે ધરી લેશું ને આરોગી લેશે? નોટ નેસેસરીલી. જાગૃતમાં પણ અને સ્વપ્નમાં કોઈ ભક્ત સેવા કરે તો પ્રભુ સ્વીકારી નથી શકતા, એવા જે પ્રભુની લાચારી હોય તો એ પ્રભુ જ નથી. પછી આપણા પ્રભુમાં અંતર શું રહ્યું? એટલે પ્રભુની સર્વ સામર્થ્ય છે. એ કઈ સામર્થ્ય પ્રભુ ક્યારે શું સ્વીકારે છે અને શું નથી સ્વીકારતા એ આપણો વિષય નહીં, પ્રભુનો વિષય છે. આપણો વિષય છે કે પ્રભુ આપણને સ્વપ્નમાં પણ દર્શન આપે તો આપણે એને મિથ્યા ન માનીએ. આપણા ભીતર પ્રભુના દર્શનની તડપ એટલી હોવી જોઈએ કે સ્વપ્નમાં એ દેખાય ને તો આપણે એને સાચા કરતા વધારે માનશું. કેમ કે સાચામાં કદાચ એટલું નહીં એકાગ્રતા આવે જેટલી સ્વપ્નમાં. મેં તો એક વાત સાચી કહું કે કોઈ પણ જાગૃત દુનિયાના કલર કરતા સ્વપ્નના કલર મને વધારે ઇન્ટેન્સ દેખાતા હોય છે. તમારી ફિલિંગ કેવી છે ખબર નહીં, પણ ઘણી વખતે સ્વપ્નમાં કોઈ કલર જોઈએ ને તો એ વધારે, ખાસ કરીને એકાદશીના દિવસે વ્રત કરીને સૂતા હોઈએ તો જેવો સ્વાદ જમવાનો સ્વપ્નમાં આવે એવો સ્વાદ જાગતા તો મને ક્યારે નથી આવ્યો, ક્યારે નથી આવ્યો. એટલો સુંદર સ્વાદિષ્ટ કોઈ પણ આઈટમ આવે ને સ્વપ્નમાં, એટલી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે કે મોડામાંથી લાળ ટપકે આપણે. એટલે ઘણું બધું સ્વપ્નમાં સાચું હોય છે. એ રીતે એ પ્રશ્ન શક્તિ તાત્પર્ય નિર્ધારણ હે વામે વો તત્વ ધ્યાન રત પ્રસાદ ઓર મનન કેસે વો ફિર જનરલ અપન યદિ શ્રવણ કરે. શક્તિ તાત્પર્ય નિર્ધાર કરને સુ ક્યા હોગો કે તત્વ કો સચ્ચો સ્વરૂપ સમજ મે આયેગો. તત્વ કો સચ્ચો સ્વરૂપ સમજ મે આયેગો તો હૃત મે પ્રસન્નતા હોયગી. ઓર હૃદ મેં પ્રસન્નતા શું તુમને વાકો મનન કિયો તો મનન ટેન્શન નહીં હો જાયગો, નહીં તો મનન કરનો બહોત ટેન્શન હૈ. એકચ્યુઅલી લોગન કો કથા યહી લિયે જ્યાદા પસંદ આવે કે અમે ટેન્શન મનન કો નહીં હોવે. કથાકાર એ કથા કહેવે કે વો કથાકાર બિચારે ભાગવત કથા કર રહે થે ઓર ડોકરી રો રહી હતી, રડો આટલું બધું કાં બા તમે રડો? બોલે મારા ઘરમાં પાડો એમ જ તમારી જેમ રેકી રેકીને મરી ગયો, મને ભીખ લાગે છે કે તમે ક્યાંક મરી ન જાઓ. હરપ્રસાદ નહીં ભયો, બિચારે ભાગવત કથાકાર કથા કર રહ્યો, વાકુ લગ રહ્યો કે રેંક રહ્યો, મર કઈ નહીં જાય. વો ભી એસે હી રેંક રહ્યો તો પાડો પણ મારા ઘરનો. હરપ્રસાદ નહીં હોય તો મનન કરને કે બજાય એસો મનન હો જાય ને. પ્રસાદનો બહુ જરૂરી છે કે પાડો રેકી નથી રહ્યો, કથા વ્યાસજી કથા કરી રહ્યા છે, બાકી તો તરત આવું થઈ જાય ને. પ્રસાદ કો બડો ભારી રોલ હે મનન મેં. કોઈ ભી મનન, એક વાત સમજો, યે તો જાને દો હો, યે તો એક મજાક કી બાત હૈ, સચાઈ મેં ભી જા મેં આપકો દિલ લગ ગયો ના વાકો ડેઢ ઘંટા મનન મેં ભી આપકો ટાઈમ બીતે પતા નહીં ચલેગો. જ્યાં મેં દિલ નહીં લગ્યો આપકો દસ મિનિટ આપ મનન કરકે દેખો સફોકેશન હોય જૈસે કોઈને નાક દબા દી. અભી ખાલી મેં કહી દઉં કે અપને ઉંગલી કે નક કો દેખો દસ મિનિટ, દેખો સફોકેશન હો જાયેગો. કેમકે ઉંગલી કે નક કો દેખને મેં આપકો મન નહીં હૈ. ઓર કોઈ સમજો હીરો હિરોઈન કો નક હોય જ્યાં પે અપના મન ચલતો હૈ, અરે એસો ધ્યાન લગ જાયેગો કે હા હા ક્યા નખ હૈ, ક્યા પાલિશ હૈ, ક્યા શેપ હૈ, ક્યા ઉંગલી હૈ, આનંદ આનંદ ઘંટાન મનન ચલતો રહો. તો હરપ્રસાદ જો હૈ વો મનન કો ગવર્ન કરે કે મનન ટેન્શન વાળો હોય કે વિધાઉટ ટેન્શન હોય. તો ભાગવત કો જો મનન હૈ વો ભક્તિ કો મનન હૈ તો વિથ ટેન્શન નહીં હોનો ચાહિયે, વો પ્રીરિક્વિઝિટ બાત હૈ. વિધાઉટ ટેન્શન મનન હોનો ચાહીએ. યદિ ટેન્શન કે સાથ મનન હો રહે તો સમજ લો કે કોઈ ને કોઈ અંડર ડ્યુરેસ આપ વો મનન કર રહે હો, વો ભક્તિ કો મનન નહીં હૈ. ભક્તિ કો મનન એસા હૈ કે જ્યાં મેં સમય કાં બીત્યો વો પતા નહીં ચલે. ભાવભૂતિ ને બહુ અચ્છો
बताया रामचंद्र जी सीता जी के वर्णन में नाशिक के कि अविदित गता यामा रात्रि देव व्यरमसी। हम लोग रात को बैठे थे वहां, राम टेकरी है नाशिक में, तो हमने बात शुरू करी कि अपन अयोध्या से निकले और क्या क्या भयो और कैसे भयो और कैसे भयो, सारे वर्णन बहुत भगवती ने अजब किया। तो कंक्लूजन में वो क्या है कि बात करते करते रात कब बीत गई पता ही नहीं चलियो, क्यों बगासा ना खादा सीता जी है क्योंकि बात माँ हर प्रसाद थी रहे। तो रामचंद्र जी एम केम ने कहू भाई हवे तो सवा दो, एक तो अयोध्या माथी कई कई काढ़ो ने पाछ तू अहिया थी केम काढ़वा मांगे छे, ऊंघवा नहीं देती। केम रामचंद्र जी एम ने कहू केम के सीता जी के जे कई बात करी रहा था ने वामे स्पष्ट भावभूति ये भी कह है कि किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात जलपतो अक्रमेण, कोई कंसिस्टेंट बात नहीं होती, सारी बातें इनकंसिस्टेंट होती। एक दूसरे के साथ अपन प्रेम से अपने फीलिंग को शेयर कर रहे थे और वो फीलिंग को शेयर करते करते घंटा कब बीते वो पता नहीं चलियो, घंटा वाली आखिर रात कब बीत गई ये भी नहीं पता चलियो, अविदित गत यामा घंटाएं कब बीते ये पता नहीं चलियो, ऐसी रात ही बीत गई। तो प्रेम के प्रसाद के कारण होते मनन में श्रवण में कीर्तन में वो क्वालिटी है, और जब अपन कंपल्शन से कुछ कर रहे हैं तो हर हर कदम कदम का ये तकलीफ आवे है। कहे तो बंद तो करो के आप प्रवचन कर रहे हो नव आज्ञा तो अपन आश्रय को पद गा के करेंगे। चरण